नमस्कार, आप देख रहे हैं दशक न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। अररिया रस थाना क्षेत्र अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के समीप स्कूल वैन की चपेट में आने से केंद्रीय विद्यालय की एक बच्ची की मौत हो गई। मृत बच्ची की पहचान पूर्णिया जिले के कामाख्या स्थान भवानीपुर निवासी ओम प्रकाश मेहता की 6 वर्षीय बेटी चित्रनवी कुमारी के रूप में की जा रही है। जानकारी के अनुसार मृत बच्ची शहर के कृष्णपुरी वार्ड संख्या 9 में अपने नाना रामानंद मेहता के घर पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। जानकारी देते हुए मृत बच्ची के नाना रामानंद मेहता ने बताया कि उनकी नतनी केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में पढ़ाई करती है। बुधवार की दोपहर अचानक उनके मोबाइल पर स्कूल के टीचर के द्वारा फोन कर कहा गया कि उनकी नतनी का एक्सीडेंट हो गया है, आप सदर अस्पताल पहुंचिए। जब वह सदर अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी नतनी का शव अस्पताल परिसर के बाहर सनशाइन बोर्डिंग स्कूल के वाहन में पड़ा है। वहां ना तो ड्राइवर मौजूद है और ना तो स्कूल के कोई शिक्षक, जिसके बाद उन्होंने अपनी नतनी को उठाकर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले गए, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक जांच के दौरान उनकी नतनी को मृत घोषित कर दिया। गाड़ी चल रही थी, वो बच्चा अचानक गाड़ी के सामने आ गई। कौन स्कूल की गाड़ी थी? सनशाइन बोर्डिंग स्कूल। कौन सा गाड़ी था? छोटा गाड़ी था, वैन है। वैन हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शाह है। तुम वहीं थे तभी? ये बच्चा किस स्कूल का है? केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय का? जी। यहाँ जो कहाँ इलाज कर लेते हैं? जी। कैसे, क्या घटना हुई? हमको खबर आई स्कूल के बच्चे से कि मेरी बिस्टी जो है वो एक्सीडेंट कर गई है, गाड़ी के सामने चली गई है। अभी कहाँ है तो फिर खबर आई तो गगर चले गया। हम जैसे नहाए कपड़ा बदले हम सीधे आए हैं, से आगे हम कुछ नहीं। क्या नाम है बच्ची का? इसका चित्रानवी कुमारी, केंद्रीय विद्यालय के क्लास 1 का है। अच्छा अच्छा। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का? पिताजी का नाम ओम प्रकाश है, मुंबई रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मुंबई रहते हैं, हम नाना जी हैं। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? कृष्णापुरी वार्ड नंबर 9। क्या नाम हुआ आपका? रामानंद मेहता सेवानिवृत्त। लापरवाही इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा स्कूल का वैन नहीं होता है। छुट्टी के वक्त में बच्चे हमारे क्लास टीचर गेट तक जाके बच्चे को छोड़ते हैं, पेरेंट्स प्राइवेट वैन लगाते हैं स्कूल में और ड्राइवर जो है बच्चों को लेकर के घर तक पहुँचाते हैं। फिर भी सर, आपके स्कूल के गेट के बाहर ये घटना हुई है? गेट के बाहर सर, जो आगे एक दूध वाले का ग्राउंड है, वहाँ पे वो लोग गाड़ी पार्क करता है। वहाँ पर एक कोई दूसरे ड्राइवर ने नहीं, किसी और ने लेकर के आपको गाड़ी लग स्टार्ट करके उसने आगे गाड़ी चला दिया, ड्राइवर ने नहीं किया, जहाँ तक मुझे ये बात की खबर मिली है। सर, आप बोल रहे हैं कि आपके स्कूल के क्लास टीचर उस वैन में बच्चे को बैठाते हैं, ठीक है? हाँ। तो उस समय में स्कूल के टीचर भी वहाँ प्रेजेंट होंगे? हाँ, आ रही है टीचर, हमारी क्लास टीचर जो है वो भी आ रही, रास्ते में है। आप उनका भी स्टेटमेंट ले लें और सारी बातें पता चल जाएगी। पूछा जा रहा है कि मतलब बच्चा जब यहाँ गाड़ी में रखा हुआ आधा घंटा से पड़ा हुआ था हॉस्पिटल में, आपका कोई टीचर अभी तक नहीं पहुँचा ना? मतलब ये क्या, जब कॉल किया गया तब आप पहुँचे हैं? सर, हम लोग सब रास्ते में चल दिए थे, आपका जो कॉल आया कि हम दूर में हैं सर जी, और किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं है, किसी के पास स्कूटर नहीं है, कोई टीचर आज मतलब क्या करते हैं स्कॉट गाइड की ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, कहीं 4 टीचर आपको पटना जा रहे हैं, तो हमारे पास जो टीचर हैं सर, कुछ टीचर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, तो हमारे जो परमानेंट टीचर जितने हैं हम सबको लिए हैं, फिर आपको वहाँ से चले, हम लोग मोटरसाइकिल से 3-3 लोग चढ़ के आए। हर बच्चों को क्लास टीचर ही वैन में बैठाते हैं क्या? नहीं, गेट तक क्लास टीचर वैन में, या तो पेरेंट्स गेट पर आते हैं उनको गेट तक हैंडओवर करते हैं, या नहीं तो जो पेरेंट्स नहीं जाते, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी कि नहीं जा पाते, तो वैन ड्राइवर जो है वो बच्चों को कलेक्ट करके वैन में ले जाते हैं। क्या आपका क्या परिचय हुआ? हाँ, मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह हुआ और मैं प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय अररिया हूँ। थैंक यू।